So welcome back to another video. In this video we're going to discuss about variation of acceleration due to gravity means small g with height. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये आता है हमारा वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, मीन्स जो हमारी अर्थ है, अर्थ के सेंटर क्या, अर्थ का जो सेंटर है वो हम सबको अट्रैक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो करता है एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स वो स्मॉल जी वैल्यू से हमें अट्रैक्ट करता है। अगर हम मतलब जो अर्थ के सरफेस है, सरफेस से कुछ हाइट पर जाएँ, तो वो जिस एक्सीलेशन से हमें अट्रैक्ट कर रहा था मीन्स स्मॉल जी की वैल्यू से, क्या उस वैल्यू में क्या चेंज आएगा, मीन्स वो बढ़ेगी या फिर घटेगी, वो हम इस डेरिवेशन में देखने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास दो डायग्राम आते हैं, मीन्स दो फिगर आती हैं, हमारे पास अर्थ के डायग्राम है, इसमें जो रेडियस है अर्थ की रेडियस वो हमने मानी हुई है आर ई, और इसमें जो हमारा फर्स्ट वाली फिगर में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस पर सरफेस पर रखा हुआ है, तो उस पर जो एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है वो लग रही है हमारी स्मॉल जी सिंपली। सेकेंड जो फिगर आती है उसमें भी हमारी सिंपल सेम वही अर्थ है, अर्थ की डेरिवेशन है हमारी आर ई, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो हमारा ऑब्जेक्ट सरफेस पर था, अब वो सरफेस की जगह कहाँ पर, किसी एच हाइट पर चला गया। तो हम अब देखने वाले हैं कि जो उस पर एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी लग रहा था, क्या अब भी वही लगेगा या फिर उसकी वैल्यू कुछ बढ़ के लगेगी या फिर घट के लगेगी, वो सब इस डेरिवेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम फिगर फर्स्ट से हमें जो स्मॉल जी की वैल्यू मिलती है, जैसे हमने अभी स्मॉल जी की वैल्यू लास्ट डेरिवेशन में निकाली थी, वो आई थी जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। इसमें हम सब अपनी जो मास है, मास की जगह अर्थ का मास रख देते हैं, और जो भी हमारा जो हमारा रेडियस है, मीन्स जो डिस्टेंस है, वहां पर अर्थ की रेडियस रख देते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रॉम फिगर सेकंड। अब सेकंड फिगर में जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एच हाइट चला गया, तो एच हाइट पर जाने पे वहां पर जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू है उसमें कुछ चेंज आया होगा, वो हमें चेंज नहीं पता कि वो बढ़ी है या घटी है, लेकिन इसको हम मान लेते हैं जी डैश, मीन्स वो जी डैश हम उसको लिख लेते हैं, तो जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। मीन्स जैसे यहाँ पर जो डिस्टेंस था, जो ऑब्जेक्ट था और जो अर्थ का सेंटर था, उनके बीच का डिस्टेंस सिंपल कितना था, अगर वो सरफेस पर रहे तो सिंपल हमारी रेडियस आती थी, लेकिन जैसे ये रेडियस तो है ही, रेडियस के साथ साथ वो क्या किसी एच हाइट पर चला गया, तो वो जो एच हाइट है वो रेडियस में हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम कर देते हैं आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। सिंपल हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाती है। अब इन दो इक्वेशन को क्या करते हैं, अपना फर्स्ट अपॉन सेकंड कर देते हैं, मीन्स दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या जो जी डैश की वैल्यू है वो निकालनी है, तो जी अपॉन जी डैश इज इक्वल टू हमारा फर्स्ट और फर्स्ट अपॉन सेकंड आ जाता है। यहाँ से जो जी एम ई है और जी एम ई है वो तो आपस में कट जाते हैं, और जो आर ई अपॉन आर ई का स्क्वायर और जो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर है, उनको हम डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो जी डैश की वैल्यू आती है वो आती है जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन वन प्लस एच आर ई का होल स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आती है, मीन्स अगर हम किसी एच हाइट पर जाएं तो वहाँ पर हमारा जो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो नॉर्मल जी की जो वैल्यू होती है 9.8 उसकी वो नहीं होगी, वो होगी हमारी जी डैश, जो कि हम निकाल सकते हैं जी की वैल्यू रखकर अपॉन वन प्लस एच ई का एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इसमें जो हमारा एच है वो है हमारी हम कितनी हाइट पर गए हुए हैं, तो यहाँ से हम जो हमारी जी डैश की वैल्यू है वो हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी एच हाइट पर जाएंगे तो हमारी जो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। मीन्स जैसे पहले 9/8 थी, उसको किसी नंबर से हम डिवाइड करें तो वो कुछ वैल्यू कम आ जाएगी, तो सिंपली हमारा जो जी डैश है मतलब किसी हाइट पर जाने से वो क्या होता है, कम होता है। यहाँ से हम वो बात भी पता लगा सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये हम यूज़ करेंगे कब, जब भी जो हमारा हाइट मीन्स हम किसी हाइट पर गए हैं जो अर्थ का रेडियस है उसके मीन्स कंपैरिजन में हो। जैसे हमारा अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, मीन्स हम कुछ किलोमीटर मीन्स 100 या 200 किलोमीटर या फिर इसके इससे ज़्यादा, मीन्स जो अर्थ का रेडियस है उसके कंपेरेबली जो लेंथ है उसके उतनी हाइट पर जाएंगे, तो हम फॉर्मूला करेंगे ये वाला यूज़। नेक्स्ट हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे व्हेन हाइट इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन रेडियस ऑफ द अर्थ, मीन्स हम कुछ मीटर या फिर कुछ थोड़े से किलोमीटर क्या है अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, तो वहां पर हम फॉर्मूला सिंपली जो हमारा ये वाला फॉर्मूला आ रहा है ये वाला नहीं यूज करेंगे, हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे हमारा फॉर्मूला आता है जी डैश इज इक्वल टू जी वन प्लस एच ई अपॉन एच ई एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आता था। तो जो हम ये एच वन प्लस एच ई जो नीचे था अगर उसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -2, मीन्स जैसे यहाँ पर 2 था तो सिंपली ये -2 हो जाएगी, तो हमने सिंपल रेसिप्रोकल किया है। तो यहाँ पर हम अपना यूज करेंगे यूजिंग बायनोमियल एक्सप्रेशन। बायनोमियल एक्सप्रेशन आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, बाकी बहुत सिंपल सा ये हमारी एक इक्वेशन होती है, मीन्स अगर किसी की माइनस में या फिर पॉजिटिव में बहुत बड़ी पावर हो तो उस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं अपना बायनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे हमारे पास सबसे पहले जो एच अपॉन आर ई है उसको मान लेते हैं x, तो उसको x मानने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या आती है 1 प्लस x
की पावर माइनस टू, तो हम लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस टू, और इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से सोल्व करने के बाद आता है हमारा 1 प्लस एन एक्स, मीन्स ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, और जो एन होता है, एन का मतलब होता है हमारा जो पावर होती है, तो 1 माइनस 2x, मीन्स जो माइनस टू था तो हम n की जगह माइनस टू रख देते हैं, तो 1 माइनस 2x ये हमारा नॉर्मली आ जाता है। x हमें पता ही है, x हमारा क्या है, h अपॉन r a। तो इसमें इस फॉर्मूले में अपना जो 1 प्लस इस सारी की जगह हम अपनी ये वैल्यू रखते हैं, तो हमारा नया फॉर्मूला निकल के आता है, वो आता है हमारा g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r e, मीन्स जैसे 1 माइनस 2x था तो x की जगह हम रख देंगे h अपॉन r e, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन r e, और ये सारे जो ये जो पूरा वैल्यू थी यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट वाली, इसको हटाकर हम रख देते हैं अपनी नई वैल्यू वैल्यू जो कि हमारा फॉर्मूला बन के आता है g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r e, मीन्स जो भी स्मॉलर हाइट होगी, मीन्स अगर हम कम हाइट पे जा रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हम ऐसी हाइट पर जा रहे हैं जो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में हो तो हम अपना ये वाली जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये आता है हमारा वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, मींस अर्थ से हम किसी हाइट पर जाएंगे तो वहां पर एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है, वो जी की वैल्यू है, वो कितनी चेंज होती है, वो हमने मतलब इस डेरिवेशन के थ्रू निकाल लिया। सिंपल सा ही डेरिवेशन है, एग्जामिनेशन के लिए हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक जरूर करना, चाहते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।